नाउ एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो क्या है? दीज वोल्केनोज इरिप्ट रेगुलरली और हैव इरिप्टेड इन द रिसेंट पास्ट एंड मे इरिप्ट एनी टाइम इन द फ्यूचर. प्रेजेंटली देयर आर अबाउट 500 एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशंस. सो पैसिफिक ओशन इज ऑल्सो कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. माउंटेन ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, माउंटेन वेसुवियस एंड माउंट फ्यूजी, ठीक है, फ्यूजी आर टू फेमस एक्टिव वॉल्केनोज. यहाँ पे हमें बताया गया ये ज्वालामुखी जो है नियमित रूप से फटते रहते हैं, हालांकि हाल के दिनों में मतलब या वो फटते ही रहते हैं हम ऐसे बोलेंगे, और भविष्य में कभी भी ये फट सकते हैं. ठीक है, वर्तमान में जो है दुनिया में लगभग कितने हो गए हैं, 500 मतलब एक्टिव वॉल्केनो हैं. ठीक है, उनमें से अधिकांश प्रशांत महासागर के आसपास पाए जाते हैं. ठीक है, इसलिए प्रशांत महासागर को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, है ना. तो माउंटेन वेसुवियस जो है और माउंट फूजी दो क्या है, प्रसिद्ध मतलब एक्टिव हमारे वॉल्केनो हैं. ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डोरमेंट वॉल्केनोज. ठीक है, तो ये बोलता है दीज वॉल्केनोज आर करंटली नॉट इरिप्टिंग बट दे मे इरिप्ट इन फ्यूचर. ये ज्वालामुखी जो होते हैं वर्तमान में नष्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन भविष्य में ये फट सकते हैं. ठीक है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, दीज वॉल्केनोज हैज स्टॉप्ड इरिप्टिंग बिकॉज दे नो लॉन्गर हैव ए लावा सप्लाई. मेनी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द क्या बोला है ये हवाई आइलैंड. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इन ज्वालामुखी मतलब ने जो है मतलब किसी को आना जाना बंद कर रखा है, हम ऐसे बोलेंगे शरण करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पास एक क्या है लावा की कुछ भी आपूर्ति नहीं है, उनके पास है ही नहीं. ठीक है, तो हवाई द्वीप पर क्या है कई विलुप्त जो हम बोलेंगे, ठीक है, एक्सटिंक्ट बोलेंगे जिनको विलुप्त जो हो चुके हैं, ठीक है, जो मतलब है ही नहीं, ठीक है, वाले ज्वालामुखी ये पाए जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक हम देखते हैं माने ये होता है भूकंप जिसे बोलते हैं. द सडन शेकिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय शॉक वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू सॉलिड रॉक्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड टू द सर्फेस. ये बोलते पृथ्वी के स्तर में एक हिस्से के अचानक हिलने को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है. ठीक है, यहाँ एक मतलब अचानक से वेव्स जो होती हैं लहरों के नीचे की स्तर को ठोस चट्टान के माध्यम से मतलब बहुत ही नीचे से ये आते हैं. ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, नीचे ठोस चट्टान होती हैं, हार्ड होती हैं. ठीक है, वहीं से ये आते हैं. When there is a sudden displacement of rocks over a large area below the earth's surface, it is called shaking of the ground. पृथ्वी की सतह के नीचे एक माने एक बड़े क्षेत्र है ना पर चट्टानों का अचानक माने हिलना हम बोल सकते हैं होता है, तो यह ग्राउंड के माना ग्राउंड के हिलने के कारण बनता है ना. जब ग्राउंड भी हिल जाएगा, यहाँ हिलेगा तो ग्राउंड भी पूरा हिल जाएगा, हमारा ये चीज भी पूरी हिल जाएगी. ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे हैं, द पॉइंट इन साइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक बिगिन इज कॉल्ड फोकस. अभी बोल रहे हैं पृथ्वी के अंदर का बिंदु जहां पर भूकंप शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोकस बोलते हैं. ठीक है, द एरिया ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबोव द फोर्स, ठीक है, फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. मैक्सिमम डैमेज इज कॉज इन दिस एरिया. अभी ये बोल रहे हैं फोकस जो है हमारा, फोकस के ठोस जो हमारा फोकस के ठोस ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित केंद्र को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोला जाता है. ठीक है, और इस क्षेत्र के माध्यम से बहुत सारा हमारा क्या हो जाता है, नुकसान होता है, यहीं पर ही नुकसान होगा. ठीक है, इस फोकस एंड के ऊपर होता है तो एपिसेंटर जहां बनता है वहीं पर ज्यादा हमारा नुकसान होगा. मतलब यहीं पर भूकंप के झटके हमारे पता चलता है ना कि भूकंप के झटके यहाँ पे आए हैं, तो ऐसे ही पता चलता है. ओके, आफ्टर द फर्स्ट बिग शेकिंग स्मॉलर शेकिंग और
three more occurs, these are called aftershocks. In some cases, aftershocks may continue for several days. अब ये बोल रहा है यह पहले झटके के बाद छोटे झटके या छोटे छोटे झटके आते हैं, ठीक है. ट्रिमोर्स अकर्स माने छोटे छोटे झटके आ जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, आफ्टर शॉक्स बोला जाता है, ठीक है. कुछ मामलों में जो आफ्टर शॉक कई दिनों तक मतलब रहते हैं, मतलब कई दिनों तक छोटे छोटे हमारे झटके, भूकंप के झटके आते रहते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.